नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। यूपी में पहले चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक साथ चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। ये सभी बड़े नेता आज पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के देवबंद में प्रचार करेंगे, तो वहीं सीएम योगी बागपत और गाजियाबाद के मुरादनगर में मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली, इटावा और औरैया में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ में घर घर जाकर प्रचार करेंगे। ये चार तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दिया, क्योंकि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एक साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आज डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बरेली, इटावा और औरैया के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने बरेली के बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद घर घर जाकर प्रचार किया। इसके बाद नड्डा इटावा क्लब में संगठन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा इटावा विधानसभा में घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। फिर इटावा के बाद वो औरैया विधानसभा पहुंचेंगे और वहां प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जैसे ही बरेली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सबसे पहले वहां के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, बीजेपी के लिए जीत की मन्नत मांगी। और दूसरी तस्वीर बरेली की गलियों सड़कों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोगों से संवाद करते हुए नजर आए, बीजेपी के लिए समर्थन मांगते हुए नजर आए। और इस बार एक बार फिर बीजेपी की सरकार यूपी में बने इसको लेकर तमाम लोगों से वोट की अपील करते हुए इन तस्वीरों में आपको जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी की सरकार बने, यही बीजेपी ने नारा दिया है और यही वजह है कि डोर टू डोर कैंपेन में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। बागपत से नीरज कुमार, देवबंद से अमित पांडे और मुजफ्फरनगर से जावेद मंसूरी हमारे साथ बने हुए हैं। और सीधा रुख करते हैं देवबंद का, जहां मेरे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्योंकि देवबंद और मुजफ्फरनगर आज गृहमंत्री अमित शाह का दौरा है, जाहिर सी बात है क्योंकि मुजफ्फरनगर में गन्ना और जिन्ना बहुत हावी रहते हैं। लेकिन बात करें 2017 विधानसभा चुनावों की, तब मुजफ्फरनगर की हम बात करें तो वहां पर दंगों का जिक्र होता था। इस बार चुनावी मुद्दा आपको देवबंद और मुजफ्फरनगर में क्या नजर आ रहा है? गन्ना जिन्ना क्या हावी है वहां पर? देखिए, यहाँ पर जहाँ तक देवबंद का सवाल है, देवबंद सहारनपुर में पड़ता है और यहाँ जो बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है, इस्लामिक धार्मिक केंद्र है यहाँ पर, और तमाम युवा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर बार चुनाव में अलग अलग मुद्दा हावी रहता है, तो इस बार यहाँ के लोगों के लिए क्या मुद्दा मायने रखता है, कैसे इस चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ेगा, हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। ये लोग यहीं पर रहते हैं और अलग अलग जो जगह है वहाँ पर अपने अपने सेंटर्स में इन लोग पढ़ते हैं, इन लोग अध्ययन करते हैं और आगे की गतिविधियों को इन लोग अपना चलाते हैं। गृहमंत्री अमित शाह आ रहे हैं, आप कैसे उनके इस दौरे को देखते हैं? उनके दौरे से कोई यहाँ पे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, कोई उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया है कि उनको पार्टी को यहाँ फायदा पहुंचेगा। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते हैं वो, और कोई बात नहीं। ये आप पूरी की पूरी इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं, चुनाव प्रचार अभियान को? और कैंडिडेट्स भी हैं यहाँ पर, बसपा के, सपा के कैंडिडेट हैं, सभी हैं, सभी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा मुकाबले में भी है यहाँ पे। लेकिन एमएम का पार्टी का जो उम्मीदवार है वो उनको कड़ी टक्कर देगा। आप बताइए सर, यहाँ के इस बार चुनावी दंगल को किस तरीके से देखते हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स जो आए हैं, जो चुनाव प्रचार अभियान जो चल रहा है? देखिए, ये तो यहाँ का तो जो है ही है, पूरे प्रदेश में आप अगर 100 आदमी से मिलेंगे तो 80 आदमी 90 आदमी ये बताएगा कि बदलाव होना चाहिए।
बदलाव लाने का ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास तो देख रहे हैं किस तरह से देवबंद में लोग। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर और देवबंद में घर घर जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में आज हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस सरकार के कार्यकाल में गृह मंत्री का ये पहला देवबंद दौरा होगा। मुजफ्फरनगर में अमित शाह प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वो 12:30 बजे सदर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। दोपहर 2:10 पर वो देवबंद बाजार पहुंचेंगे और जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। सर अब फिर से चुनाव आ गए हैं, योगी जी 5 साल सरकार चलाई योगी जी ने, अब फिर किस पे आप अपना भरोसा जताएंगे? भरोसा तो जो है सिर्फ योगी जी हैं यहाँ पर, और कोई नहीं है, सिर्फ योगी जी के लिए ही है। यूपी में बाबा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हिंदुत्व की बहुत बड़ी जीत है और हिंदू ही यहाँ पे राष्ट्र हिंदू का ही है। अच्छा, काम बोलता है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे यूपी में? कौन यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से सरकार बनाएंगे 2022 में, ये हमारा संपूर्ण विश्वास है। क्या करते अपने बारे में बताइए यहाँ पर? मैं यहीं पे कपड़े की शॉप पे काम करता हूँ। ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी को दोबारा आना चाहिए? योगी जी को दोबारा इसलिए आना चाहिए, इन्होंने मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए, गरीब परिवार के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा सोचा है, समझा है, सभी के साथ, सभी का विकास, सभी को सहयोग दिया है। ठीक है, मुजफ्फरनगर में इस बार पश्चिम की वो धरती है कि जहाँ पर एक गठबंधन भी हुआ है और बड़ी चुनौती मिल रही है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से, क्या आप कहेंगे क्या इस बार बीजेपी कुछ फंसती हुई नजर आ रही है यहाँ पर? बीजेपी क्लियर आएगी और यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और उसके बाद जो अन्य लोग हैं वो तो अपना जो हिस्सा ढूंढ रहे हैं ना, अपने यहाँ जमीन बनाना चाह रहे, वो जमीन उन्हें मिल नहीं रही, इसलिए गठबंधन हुआ। पहले भी गठबंधन था, वो ठगबंधन बन गया। मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, आप उनके इस दौरे को कैसे देखते हैं? देखिए, हमने आप जैसे प्रोटोकॉल चल रहा है, कोरोना काल की वजह से पूरे दुनिया के अंदर परेशानी है, इसी तरह से बड़ी सभाएं करने पर, इलेक्शन का टाइम है, बड़ी सभाएं करने पर जो है इलेक्शन कमीशन की पाबंदी है, छोटी छोटी सभाएं की जा रहे हैं, इसलिए इन छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से ही सब लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया था अब से 7 साल पहले और 5 साल की गवर्नमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश की पूरी होने जा रही है, इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उसमें ही गवर्नमेंट ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ना किसी धर्म को देखा, ना किसी जात को देखा, सबको विकास के नाम पर जो है, चाहे वो 2.5 लाख रुपए में मकान बनाने की योजना हो, चाहे वो फ्री राशन बांटने की योजना। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देवबंद और मुजफ्फरनगर में आज चुनाव प्रचार करेंगे और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम कार्यकर्ता उनका स्वागत वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि आज डोर टू डोर कैंपेन में गृह मंत्री अमित शाह देवबंद की गलियों में नजर आएंगे, उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी वो नजर आएंगे। मुजफ्फरनगर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, उनके साथ भी संवाद करेंगे और साथ में मुजफ्फरनगर की गलियों में घर घर जाकर लोगों से वोट मांगते हुए नजर आएंगे। वो मुजफ्फरनगर जो किसानों की धरती कहा जाता है, गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता है, लेकिन 2017 में जब चुनाव हुए थे तो दंगों की वजह से वहां पर बहुत सुर्खियों में रहा था, ध्रुवीकरण की एक राजनीति वहां पर देखने को मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में वहां पर कौन से चुनावी मुद्दे हावी रहने वाले हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर वहां पर देखने को मिल रही है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी का, जो इस वक्त मुजफ्फरनगर में ही मौजूद है। जावेद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंच गए, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है और लोग कितने उत्साहित हैं उनके इस चुनाव प्रचार को लेकर? देखिए, गृहमंत्री अमित शाह को शिव चौक पर आकर जनसंपर्क करना है, लेकिन उससे पहले वो पहुंचे हैं, वहां वो संवाद का कार्यक्रम है, लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाऊं जहां वो जनसंपर्क करने आएंगे, किस तरह का माहौल है, भीड़ देख लीजिए जरा। और देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मोदी समर्थक हैं, इन्होंने सदरी पहनी हुई है,
मोदी जी की तस्वीर लगी है। जय श्री राम। ये सदरी का क्या है? जय श्री राम। बताओ जी, मोदी जी का फोटो लगा आपके जैकेट पर? हाँ जी। हाँ, भारत माता की, भारत माता की, भारत। आज अभी सारे आज अमित शाह आ रहे, क्या यहाँ पर अब क्या उम्मीद? आज हमारे लक्ष्मी नगर में अमित शाह आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री राम हमारे यहाँ पर आ रहे हो। हमारा पूरा लक्ष्मी नगर आज इतना आनंदित है, इतना प्रफुल्लित है कि आज लक्ष्मी नगर के अंदर दीपावली जैसा माहौल बन गया है। और हमारे कपिल देव जी अग्रवाल आज भारी बहुमत से यहाँ पर दिख रहे हैं। तस्वीर दिखाना चाहूंगा, यहाँ देखिए किस तरीके की यहाँ पर लोग जुटे हैं। बीजेपी के जो समर्थक है वो इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का, सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम है। और जहाँ वो जनसंपर्क करेंगे वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए शिव चौक से वो शुरू करेंगे और यहाँ इस पूरे बाजार में वो दुकानदारों से मिलेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। करीब 600 मीटर का ये पूरा उनका जनसंपर्क अभियान होगा। थोड़ी देर बाद अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ मुजफ्फरनगर जो कि बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसी को दोहराने के लिए वो प्रचार अभियान यहाँ पर करेंगे। 2017 के चुनावों में सभी 6 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी। जावेद, क्योंकि पिछले दिनों अमित शाह जाट नेताओं से मिले थे तो जाट समुदाय का काफी प्रभाव रहता है मुजफ्फरनगर में, तो आपको लग रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस बार जब मुजफ्फरनगर यहाँ पे आए हैं तो क्या जाट नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, किसान नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, नए समीकरण उनके दौरे के बाद क्या देखने को मिल सकते हैं? कारोबारी व्यापारी वापस आ रहे हैं। देखिए जहाँ मौजूद है उसे जाट लैंड के रूप में जाना जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने जाट नेताओं से बात की थी और उसमें खास तौर से मुजफ्फरनगर और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर जाटों को साधने की कोशिश की थी। क्योंकि हमें याद करना होगा 2013 में जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे, रणनीतिकार थे जो अमित शाह, उसके बाद चुनावों में भारी जीत दर्ज की थी। 2014, 2017, 2019 तीन चुनाव लगातार जीते हैं बीजेपी ने, बंपर जीत हासिल की है। क्या वो बंपर जीत 2022 में भी होगी? क्योंकि यहाँ पर एक गठबंधन हुआ उससे चुनौती मिल रही है। लोग हमारे साथ बताइए, ये बताइए आराम से एक मिनट धक्का मत दीजिए, ये बताइए क्या इस बार उम्मीद लग रहा है 2017 जैसा प्रदर्शन हो पाएगा? उससे ज्यादा प्रदर्शन होगा और उससे ज्यादा प्रदर्शन अच्छा होगा और हम 300 से भी ज्यादा सीट जीत रहे हैं। और आज अमित शाह जी मुजफ्फरनगर सीट जीत रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि गठबंधन हुआ अखिलेश और जयंत चौधरी का, उसका कुछ नहीं, बिल्कुल वो ठगबंधन है, ठगबंधन। लोग राष्ट्रवाद पे वोट देंगे, जितने गुंडे हैं सपा के सब जेल में है। अति 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 अहमद राधा पंसारी मुजफ्फरनगर की जनता, प्रदेश की जनता, अब की बार योगी आदित्यनाथ। ये बताइए कि योगी जी को लेकर देख रहे बहुत ज्यादा दीवानगी है यहाँ पर लोगों में, इसकी वजह क्या है? योगी जी का पूरे युवाओं पे और सब पर, आम जनता पर सब पर राज है, क्योंकि उन्होंने गुंडों को खत्म किया है और यहाँ मुजफ्फरनगर में गुंडागर्दी जो थी सब समाप्त हो चुकी है, यहाँ के गुंडे सब जेल में हैं। इसलिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं अमित शाह का। योगी को लेकर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोग सिर्फ योगी का नाम ले रहे हैं और उसकी वजह ये भी कि यहाँ पर बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी का कार्यकर्ता है। और देखिए एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ, मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है, यहाँ मुस्लिम महिलाएं भी। आप बताइए कहाँ से, अपना नाम बताइए। हम मुजफ्फरनगर से ही आए हैं। आज पता है कौन आ रहे हैं? अमित शाह जी आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी इस सरकार के बारे में, अमित शाह जी के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में जो 5 साल सरकार चलाई, क्या कैसे रहे 5 साल? बहुत ही अच्छे। हाँ, और मैं चाहती हूँ हर बार आए और बार बार आए, बार बार आए। आप बताइए अपना नाम बताइए और क्या कहेंगी सरकार के बारे में? नहीं, ये नहीं बोलने, लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग पहुँचे हैं। हाँ। जनाब मुजफ्फरनगर जहाँ इस बार पिछली बार बीजेपी ने 2000 सभी 6 सीटें जीती थी 2017 में, इस बार क्या कह रहे हैं आप, क्या लग रहा है आपको? इस बार 6 पूर्ण बहुमत से पास सरकार बन रही है और अखिलेश यादव की जितनी सीटें पिछली बार आई थी उससे भी आधी रह जाएंगी, क्योंकि 2019 में 5 सीटें आई थी, सिर्फ 5 ही रह जाएंगी इनकी। लेकिन ये बताइए कि वेस्ट यूपी में जो सबसे ज्यादा नजरें हैं
वो अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन को लेकर है। कहा जा रहा बड़ी चुनौती और तगड़ी चुनौती मिल रही है उनसे। कोई चुनौती नहीं मिल रही। 2019 में भी उन्होंने गठबंधन किया था। अब की बार सारा उत्तर प्रदेश का मुसलमान योगी जी के साथ है। योगी जी ने इतने मकान मुसलमानों को दिए हैं, कभी कांग्रेस ने 70 साल में आंसू भी नहीं पहुंचे, और 2.5 लाख रुपए सीधे मुसलमानों खाते में डाले। डॉक्टर मोहम्मद समर गजनी है, बता रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय भी योगी आदित्यनाथ के साथ। आप बताइए आपका नाम क्या है? रेशमा। आप कुछ कहना चाहेंगी? कैसे रहे 5 साल आपके? सही गुजरे? सही गुजरे। क्या मुद्दा है जो आप ये सोच कर वापस आए बीजेपी को समर्थन देने? क्या ऐसा काम हुआ है इन 5 सालों? जी सब चीज दे रहे मोदी, जैसे नाज, चावल, मकान, हर चीज। देखिए राशन की एक बात निकल कर सामने आ रही है, जो राशन मिला है कोरोना काल में वो बात सामने आ रही है, और भी महिलाएं सब पीछे हो जाइए। आप कुछ कहना चाहेंगे बताइए, क्या कहेंगे? आप बताइए। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी ने सब कुछ दे रखे है, सब सुविधाएं दे रखी है। क्या सुविधा मिली आपको? हमें सिलेंडर भी मिला है, मकान भी मिला है, सिलेंडर भी मिला है। अच्छा जी, देखिए यह मुस्लिम महिलाएं हैं, यहाँ एक मुस्लिम ग्रुप पहुंचा है जो समर्थन जताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो ये मुजफ्फरनगर में हम मौजूद हैं, जहाँ बीजेपी समर्थक है, तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय भी उनके साथ है, और बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जगह है, क्योंकि यहाँ जो पुराना प्रदर्शन है 2017 का खासतौर से, उसी को दोहराने की बड़ी चुनौती है। जी ठीक है, तो मुजफ्फरनगर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए और वहां पर मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी के समर्थन में नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें सिलेंडर मिला है, मुस्लिमों के बहुत सारे घर बने। जो ये भ्रम फैला है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, इस बार वो बदल जाएगा। वहीं आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर के देवबंद भी जाएंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वहां पर वोट मांगेंगे, लेकिन देवबंद सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर कंफ्यूजन अब भी बरकरार है। नामांकन खत्म हो चुका है और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। यही नहीं, ना सिर्फ दोनों उम्मीदवार खुद को पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बता रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता भी दोनों खेमों में बटे हुए हैं। देवबंद विधानसभा से पूर्व विधायक और एसपी नेता माविया अली ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर अपना पर्चा दाखिल किया और सबको चौंका दिया। वहीं इससे पहले आपको बता दें देवबंद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्तिकेय राणा भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी यहां पर साफ तौर से संशय में नजर आ रही है, कंफ्यूज नजर आ रही है, एक ही सिंबल पे दो दो नेता चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे जो पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने और पार्टी के महासचिव माननीय रामगोपाल यादव जी ने जो दिशा निर्देश दिए, उसी का पालन करने में यहाँ पाया। मैंने समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल किया है और मुझे पार्टी, देखो सामने मुझे पार्टी